इस वीडियो में वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा। BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 112 नंबर क्वेश्चन। मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 113 नंबर। अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर डी हो जाएगा, विद्युत अपघट विद्युत वाहक बल को हटाना। अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक EMF इंटरफ्रेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 114 नंबर। AC एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू IR वोल्टेज, वोल्टेज पाथ इक्वल IR वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 115 नंबर। IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? कह रहा है IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? इसका आंसर डी हो जाएगा, 3000 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 116 नंबर क्या कह रहा है? उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? इसका आंसर सी हो जाएगा, ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 117 नंबर। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा, ध्रुवता जांच पोलैरिटी टेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 118 नंबर देखिएगा। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है? इसका आंसर डी हो जाएगा, 1/5000 गुने फुल लोड करेंट, यानी हो जाएगा 1/5000 गुने पूर्ण भार धारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 119 नंबर। विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर / मिनिमम एक्चुअल लोड / इंस्टॉलेड लोड हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, मेगर का। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मेगर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? 121 नंबर। वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? इसका आंसर डी हो जाएगा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स एंड अर्थ, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच, डी आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 122 नंबर देखिएगा, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? सिस्टम अर्थिंग जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है, जनरेटिंग स्टेशन ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है? 123 नंबर, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाना है? इसका आंसर बी हो जाएगा, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण, इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट। अगला क्वेश्चन 124 देखिएगा, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? इसका आंसर सी हो जाएगा, हाई वैल्यू सीरीज रेसिस्टेंस फॉल्ट, उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना है? 125 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना है? इसका आंसर ए हो जाएगा, सबस्टेंस हो जाएगा, उपकेंद्र, उपकेंद्र हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है? इसका आंसर हो जाएगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल, विभव का पतन, विभव का पतन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 127 नंबर, आई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाए? इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई, अर्थिंग थ्रू इम्पेंडेंस, इम्पेंडेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 128 नंबर, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रामक का कार्य क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा, चेंजेज डीसी सप्लाई इंटो एसी सप्लाई, डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना, डीसी आपूर्ति से एसी आपूर्ति में बदलना, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 129 नंबर, गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है? इसका आंसर बी हो जाएगा, मोर फिक्सेबल, अधिक लचीला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी 130 नंबर, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, दोहरी अर्थिंग प्रदान करना। अगला क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है? इसका आंसर डी हो जाएगा, विद्युत अपघट, विद्युत वाहक बल को हटाना, अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफ्रेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 132 नंबर, मेगर का उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा, इट इज नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टर्क्यू, यह वाला घूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 133 नंबर, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके आनुपातिक है? इसका आंसर डी हो जाएगा, दो कुंडलियों में धारा का अनुपात, रेशियो ऑफ द करंट इन टू कॉइल्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
134 नंबर, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, विभव पात विधि हो जाएगा, विभव पात विधि सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135 देखिएगा, 135 क्या कह रहा है, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? इसका आंसर सी हो जाएगा, इट इज एसोसिएटेड विथ करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये हो जाएगा, यह धारावाहक चालकों से संबंधित है, सी आंसर हो जाएगा, 135 का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 136 नंबर, यदि किसी व्यक्ति को 20 मेगा एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, पेनफुल शॉक, दर्दनाक झटका लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 137 नंबर, 137 नंबर हो जाएगा, एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? गीजर, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 138 नंबर, डेट लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पढ़ रहा है? 0 मेगा एम्पियर, ए आंसर हो जाएगा, 138 का ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? 139 नंबर, क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? इसका आंसर सी हो जाएगा, अवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले संयोजनों को टालना, सी आंसर हो जाएगा, 139 का सी आंसर हो जाएगा।